नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के पक्ष में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने केंद्र के तीनों कानूनों के समर्थन में भोपाल सहित प्रदेश के तमाम शहरों में किसान सम्मेलनों का आयोजन कर किसानों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल में किसानों को इन कानूनों के फायदे बताए और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने भी इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया। यानी करीब 2.5 साल बाद एक बार फिर किसानों को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है और पस्त पड़ी कांग्रेस को फिर किसानों के रूप में वोटों की फसल नजर आने लगी है। बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर कांग्रेस को इस सियासी फसल का लाभ नहीं देना चाहती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नए कृषि बिल के समर्थन और विरोध की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां कृषि बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें खुद को किसान हितैषी पेश करने में लगी हुई हैं। कृषि बिल के समर्थन में सबसे मुखर आवाज मध्य प्रदेश से उठ रही है। भले ही मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित ना हो, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत से उसी बिल के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसके लिए किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के भेल मैदान में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि इस कानून से किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। किसान सम्मेलन में भाग लेने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया, जिसमें उन्होंने मंत्रियों से साफ कहा कि वो फील्ड में मौजूद रहें, साथ ही किसानों के बीच चौपाल भी लगाएं और कृषि कानूनों के बारे में उन्हें बताएं। कैबिनेट मीटिंग के दौरान सीएम शिवराज ने ये घोषणा भी की है कि 18 दिसंबर को हम किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डालेंगे। ये कुल राहत राशि का एक हिस्सा है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम शिवराज किसान सम्मेलन में पहुंच गए, जहां सीएम ने नए कृषि कानून के फायदे भी बताए और कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप भी जड़ दिया। इस दौरान सीएम ने किसान कर्ज माफी को लेकर किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर कांग्रेस का घेराव किया और कांग्रेस को किसान विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कल कमलनाथ ट्वीट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चौपाल लगा रहे हैं, किसान पुत्रों के किसान के विरोध में। अरे कमलनाथ जी, तुमने क्या दे दिया था? कहा था कर्जा माफ कर दूंगा। कर्जा माफी के चक्कर में रेगुलर डिफॉल्टर कर दिए तुमने। 18 तारीख को फिर 1600 करोड़ रुपया राहत की राशि के फिर खाते में डालूंगा 1600 करोड़ रुपया। बीजेपी एक तरफ कृषि बिल पर किसानों का समर्थन जुटाने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है, या यूं कहें कि विपक्ष कानून की खामियों को किसानों के बीच पहुंचाने की तैयारी में है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित सभी कांग्रेस नेता उपवास रखेंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में जारी किसान आंदोलन का प्रदेश कांग्रेस इकाई ने समर्थन करते हुए सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया। तो वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दावा किया है कि बीते 9 महीने में 47 सरकारी मंडियां बंद हो गई हैं। सरकारी पोर्टल पर मंडियों के बंद होने की जानकारी उपलब्ध है। गेहूं समेत 23 अनाज समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है। जीतू पटवारी ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं करने का आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि कृषि बिल लागू होने के बाद प्रदेश में सरकारी मंडियों को बंद करने की शुरुआत हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कौन से जिले में कब किस तरीके का आंदोलन होगा, इसका कार्यक्रम पार्टी जल्द जारी करेगी। कहां पर कौन से नेता शामिल होंगे, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। चूंकि ये किसानों का आंदोलन, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। हमने जैसा पिछले समय कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि किसानों के हर तरीके से हम साथ हैं, यही बात अभी हमारे पूरे वक्तव्य में आई है। जहाँ तक विरोध का प्रश्न है कि किसानों का विरोध है या नहीं है,
ये आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि किसानों का विरोध हिंसा हो, घृणा हो आसपास? इसी से किसानों का विरोध थोड़ी हो सकता है। तरीके से जैसा दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में और देश के राज्यों में भी हो रहा है, ये आशा है कि सरकार बात माने, प्रधानमंत्री बात माने, अन्यथा नहीं मानेंगे तो अल्टीमेटली किसान सब जगह सड़क पर और यहां भी उतरे। इसका भौतिक उदाहरण आप पहले यहां देख चुके हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सड़क पर उतरकर जो पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करेगी पूरी तरह से। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये कांग्रेस करा रही है, कांग्रेस अब करेगी। मध्य प्रदेश में हर जिले के अंदर सड़क पर उतरकर उनका समर्थन करेगी। हम लोग समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मंडी में जाएंगे और मजबूर करेंगे मंडी समिति को और सरकार को कि समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाए। अब देखना ये होगा कि किसान कर्ज माफी का झुंझुना थमाकर सत्ता में आई कांग्रेस किस मुंह से किसानों के बीच जाती है, क्योंकि कांग्रेस 15 साल बाद मिली सत्ता 15 महीने में गवा चुकी थी। बाद के उपचुनाव में भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में क्या किसान फिर से कांग्रेस को सियासी फायदा पहुंचाएंगे या फिर एक बार कमल के साथ जाएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो किसानों को लेकर मध्य प्रदेश में शुरू हुई सियासत पर हम आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। तो भटनागर जी, सबसे पहले आपके पास कि किसान कर्ज माफ़ी को लेकर कांग्रेस ने जो कुछ वादे किए थे, 2.5 साल पहले वन सोर्सेज की शुरुआत हुई थी, चुनाव के बाद कांग्रेस ने सरकार भी बनाई, किसान कर्ज माफ़ी की बात कही, 55 लाख किसानों का कर्ज माफ़ होना था, 26.5 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, और अभी के ताज़ा हालात में बात करें तो आज इस किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। वो कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे जा रही है बीजेपी की तरह, तो हम देखते हैं कि अलग अलग पंचांग इस देश में चलते हैं कि उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है, जबलपुर का अलग है, उज्जैन का अलग है। ऐसी कांग्रेस ने लगता है कोई एक पंचांग बना लिया है, क्योंकि अमरिंदर सिंह पहले दिन से आंदोलन करते हैं पंजाब में, 20वें दिन दिग्विजय सिंह दिल्ली में भूखल प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, वो कांग्रेस के नेता भोपाल में कहते हैं कि 9 महीने में इतनी मंडी बंद हो गई, हम विचार करेंगे, तारीख तय करेंगे, वो पता नहीं कौन सा पंचांग ढूंढ रहे हैं जिसमें वो देख के मुहूर्त देखेंगे, तारीख तय करेंगे, इसके बाद वो किसान आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और एक दिलचस्प बात और पीसी शर्मा ने कही है कि वो मंडियों में देखेंगे कि समर्थन मूल्य पर खरीदी क्यों नहीं हो रही है, जबकि हम सबको पता है कि गेहूँ और तमाम चीज़ों का समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो गई है, और प्रदेश के इक्का का जो शहर बचे सीमावर्ती जहाँ पे बाजरा या मक्का होता है, वहाँ पर केवल खेत जो खरीद चालू और उसको लेके जो कुछ समस्या थी उसको लेके शिवराज सिंह चौहान निर्देश दे चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो केवल एक किसानों को भरमाने की कोशिश है या केवल ये बताने के लिए कि देखिए दिल्ली के जो किसान आंदोलन हो रहा है उसकी हमको भी चिंता है? देखिए मनोज, कांग्रेस को अगर सड़क पर उतरना हो तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन हम जानते हैं पिछले 15 सालों में भी देखा है और अभी हाल 9 महीने में भी देखा है, कांग्रेस विपक्ष की राजनीति कभी कर ही नहीं पाई जी। नहीं तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए विपक्ष की सख्त ज़रूरत है मध्य प्रदेश को, कई सारे इश्यूज हो रहे हैं ऐसे जिन पर विपक्ष की आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में अपने जो केंद्र सरकार के कानून हैं उन्हें समझाने के लिए उतर गई है, किसान सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, कल सारे मंत्री जो है अलग अलग जिलों में पत्रकार वार्ता लेके कानून के बारे में बताएंगे, तो जो जागरूकता का कार्यक्रम केंद्र सरकार के साथ में सत्तारूढ़ दल दोनों मिलके चला रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो किसानों को अपनी बात बताएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो पता ही नहीं है कि जून तक ही गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश में हो गई थी और मध्य प्रदेश ने पूरे देश में गेहूं उपार्जन में रिकॉर्ड बनाया था। बिल्कुल, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ के मतलब मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक गेहूं की खरीदी हुई या नहीं ये अब देखेंगे। तो जब देखना था तब वो अपनी सरकार की वापसी का दावा कर रहे थे, अब जब उन्हें पता है कि वो पूरी तरह से लुटपिट चुके हैं,
तो मुझे लगता है कि अब एक विपक्ष के तौर पे उन्हें जिंदा होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के लिए भी ज़रूरी है, लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मीडिया में पत्रकार वार्ता करके आप सड़क पे सरकार का विरोध नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में सरकार के विरोध करने के कई तरीके हैं। वो कांग्रेस के नेता, जैसा आपने कहा कि अमरिंदर सिंह पहले दिन से किसानों के आंदोलन के समर्थन में, बाकी कांग्रेसी धीरे 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 जाग रहे हैं। दिग्विजय सिंह अब आज गए, अब दिग्विजय सिंह का जाना बहुत मायने रखता है कि दिग्विजय सिंह जाके उस आंदोलन की क्या दिशा मरोड़ेंगे, तोड़ेंगे। जैसे हमारे प्रभु भाई शायद घोषणा कर रहे थे कि अगले 3-4 दिनों में शायद हो सकता है किसान आंदोलन ही खत्म। कोई कहावत भी, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटा डार। प्रभु जी, बंटा डार की बात है और जिस प्रकार से आंदोलन की बात कांग्रेस ने की है, लेकिन एक दिलचस्प चीज़ और भी थी कि जिस समय शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के तमाम बड़े नेता धरना आंदोलन को सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस की पीसी हो रही थी, उसमें पीसी शर्मा भी थे, उसमें जीतू पटवारी भी थे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले दिग्विजय सिंह की खबर आ जाती कि वो दिल्ली में मौजूद हैं, आंदोलनकारियों के साथ खाना खा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद कमलनाथ की ओर से एक लिखित बयान जारी होता है, जिसमें वही बिंदु वो बताते हैं जो कांग्रेस लगातार बात कर रही है, पीसी शर्मा या जीतू पटवारी कर रहे थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर आपको एक मैसेज देना है और अगर प्रदेश अध्यक्ष को देना है तो वो छिंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, जरूरत ही नहीं थी भोपाल में करते, तब भी उनको उतना कवरेज मिलता और एक शायद एक अच्छा मैसेज जाता कि प्रदेश अध्यक्ष ये पहल कर रहा है। लेकिन इससे तो ये मैसेज जा रहा है कि अगर पीसी शर्मा जो कि दिग्विजय सिंह खेमे के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसकी कार्ट में वहाँ छिंदवाड़ा से एक प्रेस नोट जारी हो रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देखें। दूसरा, जो हम पहले जो मैंने सवाल किया था कि जिस प्रकार से अभी से उनको ये नहीं पता है कि उसकी दिशा क्या होगी, करना क्या है और कब से करना है, तो इसको देख के लगता है कि किसान एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगा? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश का किसान कांग्रेस के साथ कितना साथ है कांग्रेस के, ये तो जो चुनाव हुए उसके नतीजों ने बता दिया है। जी बिल्कुल, कर्ज माफी का जो वचन था या जो उनने काम किया था, जो उपलब्धि थी, वो किस तरीके से फेल हुई है, ये सबके सामने 28 सीटों का सपना देख रहे थे और जो परिणाम है उन्हें ये हालत नहीं छोड़ी कर दी है कि अब वो कमलनाथ जी को विचार करना पड़ रहा है कि वो विश्राम करें या आगे राजनीति करें। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस की स्थिति उस कर्ज माफी के मुद्दे ने कर दी है। लेकिन यहाँ जब आपने पीसी शर्मा की बात की, मैं पीसी शर्मा की बात से ही बात शुरू करूंगा। जी बिल्कुल, पीसी शर्मा ने कहा कि वो अभी तक कहते थे कि कांग्रेस जो है आंदोलन को हवा दे रही है, हम अभी तक नहीं दे रहे थे, अब हवा देंगे आंदोलन को। तो पीसी शर्मा हो या दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, अमरिंदर सिंह इस मामले में समझदार है, उन्हें शुरू में लीड की, प्रशांत हो गए। बिल्कुल, अभी शाह से बैठक भी कर ली। भारतीय जनता पार्टी जब से आंदोलन शुरू हुआ किसानों का, उस आंदोलन को पहले दिन से ये कह रही है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, इस आंदोलन के पीछे वामपंथी है, इस आंदोलन के पीछे और दूसरे ऐसे लोग हैं जो किसान नहीं है। बिल्कुल, तो पीसी शर्मा हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, उस आंदोलन में पहुंचकर अपने वायरल करना, फोटो वोटो जारी कराना, दिग्विजय सिंह का कि हम आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे, या कमलनाथ का उसको लेकर बात करना, तो एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी उस ट्रैक पर कांग्रेस चली गई है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये भाजपा की पहले दिन से कोशिश थी कि इस आंदोलन का सियासीकरण किया जाए, इस आंदोलन को राजनीतिकरण हो और कांग्रेस पर तोहमत लगाए जो उनकी की धुर विरोधी पार्टी है, जिसको कि नेस्तनाबूद करने, ख़त्म करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। बिल्कुल, तो उन्हें अपना जो दांव चला था उस ट्रैक पर कांग्रेस चल निकली है और अब इसकी परिणति क्या होगी, जैसा उस ट्रैक में आ गई है, कह सके तो उस ट्रैक में आ गई है। हाँ, तो जो जहां जहां पांव पड़े संतन की वाली बात है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आंदोलन का पट्टा छेप हो जाएगा कि किसानों को वाइंड अप करना पड़ेगा। यदि वहां दिग्विजय सिंह जी पहुंच गए, उनके बारे में तो मशहूर है, जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं वो आदमी खत्म हो जाता है सियासत में। बिल्कुल, तो आंदोलन में पहुंच गए, जड़ में पहुंच कर जाकर बैठ गए हैं और वहां पे भोजन करके आए हैं, तो इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हश्र उस आंदोलन का हो सकता है। और बस दिग्विजय सिंह के वहां पहुंचने के साथ यहां मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आंदोलन के लिए कांग्रेस उतारू हो रही है, तो यह समझने की बात है कि अब कांग्रेस के लिए कुछ बचने का आधार नहीं है, उनके पास कोई विषय ही नहीं है। उनको यह नहीं, जैसा आप भी कह रहे थे, भटनागर जी भी कह रहे हैं कि गेहूं खरीदी, कांग्रेस ने दावा किया था कि कमलनाथ सरकार में इतना उत्पादन हुआ है कि खरीदने के लिए रखने के लिए गोदाम कम पड़ गए हैं, यही कांग्रेस का दावा था। वो कह रहे हैं वही गेहूं को देखने जा रहे हैं कि किसान का खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, जबकि वो रिकॉर्ड यानी जो आज शिवराज जी कह रहे थे कि राहुल गांधी से आप पूछ लीजिए कि प्याज धरती के अंदर होता है कि ऊपर, वही अंतर कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता कि उपार्जन और उत्पादन में क्या अंतर है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अभी मक्का, बाजरा और धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही है। बिल्कुल, धान की खरीदी को लेकर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उनकी पार्टी के तमाम नेता हो या कमल पटेल हो, लगातार इतने एग्रेसिव हैं वो लोग कि जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
का जो मामला है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एग्रीमेंट के बाद खरीदी नहीं हो रही, वहां पर वो लगातार कार्रवाई करा रहे हैं। बिल्कुल। और कार्रवाई के स्तर ये तक है कि महाराष्ट्र के खेतिया का मामला था जो मध्य प्रदेश के व्यापारी के किसानों का, जिसका जिक्र उन्होंने कार्रवाई की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, उस तक पे उन्होंने कार्रवाई करवा ली। तो ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिस एक्ट का पूरे देश में विरोध हो रहा है, जिस एक्ट को भी मध्य प्रदेश की सरकार ने यह कहें कि स्वीकार नहीं किया पूरी तरह से, लेकिन उस पर काम शुरू हो गया है। जी, तो ये सरकार भाजपा की सोच का अंतर है, ये कांग्रेस की सोच का अंतर है कि अभी तक उनको ये पता ही नहीं कि चलना कहाँ है, लेकिन चलने की दिशा तय कर ली। अब 10 दिशाएं होती हैं, अब 10 दिशाओं में किधर जाना है उनको, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये कांग्रेस को तय करना है और वो तय नहीं कर पा रहे हैं। पीसी शर्मा जैसे नेता यदि ऐसा लीड कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को और ये बता रहे हैं, तो कम से कम इसके पहले कागज पर प्लान तो तैयार कर लेना चाहिए था कांग्रेस को कि वो क्या करने जा रही है। यदि वो भूख हड़ताल करना है तो फिर दिग्विजय सिंह वहाँ खाना खाने क्यों गए, किसानों के समर्थन में उनको भूख हड़ताल करना है। यदि सड़क पर आंदोलन करना है तो अब भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मेलन कर रही, तो आप भी एक कहावत ये भी है ना कि एक कहावत ये भी कि भूखे पेट भजन ना हो, तो शायद इसलिए पहले भोजन फिर उपवास। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी दिशा तय करनी पड़ेगी, जैसा भटनागर जी कह रहे थे, उनको अपने मुद्दे तय करने पड़ेंगे, दूसरों के मुद्दे या जिस पर उकसाया जाए उनको उस मुद्दे पर वो चलेंगे तो उनका नुकसान ही होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के जाल में बुरी तरह फंस चुकी पार्टी है, यदि उनके देश बताए रास्ते पर यदि ये चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ इनके इस किसान आंदोलन का भी कल्याण होने वाला है, क्योंकि इसके आंदोलन में किसान नहीं आने वाले, जो किसान आएंगे वो कर्ज माफी की बात करेंगे, जिनके 2 लाख तक के कर्जे माफ़ नहीं हुए, जिन किसानों के कर्जे माफ़ ना होने के कारण जिस किसानों पर और ब्याज का भार चढ़ गया है वो किसान सामने आएंगे कि अपने कारण हम डिफाल्टर घोषित हो गए हैं, हम पर ब्याज लग रहा है। तो इन मुद्दों की काट कांग्रेस को करना चाहिए था, दूसरे मुद्दे जाते वो कि नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं उस विषय पर जाते कि कहाँ सड़क टूटी पड़ी है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ भाजपा के 9 महीने के कुशासन में कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, इस तरफ जाना चाहिए था उनको। लेकिन वो क्योंकि भाजपा ने जिधर धकेल दिया उस रास्ते पर चल निकले, वो चलते चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता अभी आंदोलन बहुत ज़्यादा किसानों का चलने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने तो कोई समर्थन उसको दिखा नहीं अभी तक। बिल्कुल। और दूसरी बात यह मनोज जी कि किसान कानून का फायदा दिखाई दे रहा है, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें 3-4 मामले ऐसे सामने आए, कानून में गलती क्या है तो उसमें संशोधन होना है, तो उसके लिए पहले आप उस कानून को एक बार लागू तो होने दीजिए, उसके बाद संशोधन अमल में आए, उसकी गलतियां खामियां आए तो सरकारें होती इसीलिए हैं, सरकार का काम है कानून बनाना। बिल्कुल। कानून बनाना लोगों के हित के लिए कानून बनाना, और यदि वो कानून के पसंद में नहीं है, फायदे का नहीं है, तो उसको फिर बदलना, जनता की सहूलियत से काम करना, तो ये सरकारों का काम, इसीलिए सरकार चुनी जाती है। तो उनकी बार अवसर तो दीजिए, यदि उन्हें कुछ बनाया है उसको धरातल पर उतरने दीजिए, उसको समझिए, और केवल एक बात ये कहना कि एमएसपी नहीं, तो उस तरीके से मुद्दे को हवा दे देना जैसे सीए के मुद्दे को हवा दी थी, तो उसका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आने वाला है, ना तो इससे किसानों का भला होने वाला है, ना इससे कांग्रेस का भला होने वाला है, ना प्रदेश या देश का भला होने वाला। जी, बड़ी बात कही आपने कि भला नहीं होने वाला। पटनागर जी, एक और चीज़ हमने देखी कि कांग्रेस बड़े आंदोलन की बात कर रही है, लेकिन अगर हम देखें कि जैसे कहावत है कि अगर आपको पूरी हांडी में से एक चावल से पता लग जाता है कि चावल पका है कि नहीं, भोपाल में हमने देखा पूरे देश में जब किसानों के समर्थन में बंद का ऐलान हुआ था 8 तारीख को, कांग्रेस उसके समर्थन में थी, लेकिन भोपाल में हमने देखा था कि पीसीसी के सामने बामुश्किल 20 लोग बैठे थे, पूरे शहर में कोई कांग्रेसी बंद कराने नहीं निकला, जो निकले वो सिख समाज के कुछ लोग निकले, इक्का दुक्का बाजार बंद कराने का प्रयास किया। उसके बाद अभी इस आंदोलन की अगर बात कर रहे हैं तो एक मुखिया जो कह रहा है कि मैं आराम करना चाहता हूँ, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो आंदोलन भी करूँगा, अभी तारीख भी तय नहीं है, तो सब कुछ अपनी सुविधा से देख रहे हैं। तो यानी किसानों को इंतजार करें कि कांग्रेस कब मैदान में उतरे, या फिर कांग्रेस को किसानों के हिसाब से चले, और जिस जगह की वो समर्थन की बात करें, जैसे प्रभु जी ने कहा पी सी शर्मा का कि वो लीड कर रहे हैं, तो एक और नेता जो जीतू पटवारी को भी हमने पिछले किसान आंदोलन में देखा था और उनका एक वीडियो भी बड़ा चर्चित थे, तो वो भी उसका जिक्र भी मतलब वो दर्शक समझ गए होंगे। तो अब इस दिशा में कांग्रेस क्या करे या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो क्या करें? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है मनोज, जो ऊपर से नीचे तक कांग्रेस जो है एक संगठन के तौर पे बिखरी हुई पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लगभग कोलैप्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका, और हम लगातार उदाहरण देख रहे हैं और हर जगह के उदाहरण देख लीजिए, चाहे अभी हाल आप राजस्थान में जो पंचायत चुनाव हुए, वो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के ये किसान आंदोलन पे गांवों का समर्थन है। बिल्कुल। तो वहाँ पर वो कांग्रेस के झगड़ों की वजह से बीजेपी ने वहाँ पर चुनाव जीत लिया निश्चित तौर पे। अब उसमें किसान आंदोलन का इशू नहीं था, चुनाव तक तो किसानों के मुद्दे आते हैं नहीं आते हैं। आपने कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था और उसके बदौलत
आप सरकार के किनारे तक पहुंच पाए। बिल्कुल, कोई बहुत ज्यादा बहुमत भी आपको नहीं मिला था राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, तो किनारे किनारे पे सरकार, बीजेपी से वोट कम और थोड़ी सीट ज्यादा। उसके बाद आपने जब सरकार गवा दी तो वही किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने समझा दिया कर्ज माफी के नुकसान। हमने खुद ने कर्ज माफी के मामले में किसानों से बातचीत की थी और वो कहते थे कि भैया हम डिफॉल्टर हो गए। तो ये जो 26 लाख 26.5 लाख किसानों की कर्ज माफी की बात करते थे, तो हमने देखा है कि भारी मार्जिन से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव आ रहे हैं उपचुनावों में। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर किसानों का गुस्सा कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं था। तो कांग्रेस वैचारिक आधार खो चुकी है। कई बार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भैया हमारी पार्टी जो है वो तो आंदोलन है, वो जो मतलब कोई संगठन वैसा नहीं, जनता का एक आंदोलन है कांग्रेस। अब कांग्रेस आंदोलन हुआ करती थी 1947 में, अब उसके बाद कांग्रेस कहाँ आंदोलन है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, एक बहुत मध्यमार्गी पार्टी के तौर पे एक अपनी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया देश में, इसलिए क्योंकि कोई और राजनीतिक दल विकल्प के तौर पर नहीं था आज़ादी के बाद। तो विकल्प बनते बनते समय लगा, 30 सालों में जनता पार्टी का प्रयोग हुआ, बाद में फिर वो हुआ और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, जिसका 1952 में पहला राजनीतिक वो हुआ था गठन, वो आज केंद्र की सरकार में, राज्यों में है, पूरे देश के अंदर कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। और उनके पास तरीके हैं अपने आप को ताकतवर करने के। वो जो प्रभु जी कह रहे थे कि कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, तो वो खत्म नहीं कर रहे, कांग्रेस तो अपने कारणों से खत्म हो रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर मादा ही नहीं है खड़े होने का, अपना विस्तार करने का, अपने संगठन को सुधारने का, लीडरशिप विकसित करने का, कार्यकर्ता तैयार करने का, तो कुछ नहीं। कांग्रेस एक भीड़ की तरह है जहाँ सत्ता के कारण लोग चिपके हुए हैं, या फिर हम देखेंगे कि वो अपने पुत्रों को परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाते हैं, पूरे देश के अंदर लगातार देखते रहे। और इन्हीं कारणों से कांग्रेस की आज स्थिति ये है कि न तो वो कोई आंदोलन करने में सक्षम रह गई है पूरा। आप कहीं भी देखिए देश के अंदर कई सारे मुद्दे जहां कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सकती थी। पेट्रोल डीजल के दाम आज इतने बढ़ गए, अभी तक अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो दसियों प्रदर्शन रोज होते। हेल्थ सेक्टर को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर हमीदिया अस्पताल शेडोल का उदाहरण, और भी कई सारे इश्यूज हुए, लेकिन कांग्रेस की बोलती बंद। बिल्कुल, तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस आखिर किस दिशा में जा रही है ये समझना मुश्किल है। एक दिशाहीन राजनीतिक दल, जो इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जिसने देश में 50 साल शासन किया है, वो मतलब इतना दिशा भटक गया है कि अब उसका संभलना, रास्ते पे आना देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं, उसके नेताओं को इसकी चिंता नहीं है। बिल्कुल, तो जिस दिशा में कांग्रेस जा रही प्रभु जी, तो एक और बात है कि हमने देखा जो बीजेपी के तमाम सारे नेता इस आंदोलन को हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली में लगातार बैठ के चल रही हैं, कई सारे किसान संगठन जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के 2 मंत्री उसके खिलाफ विवादास्पद बयान देते हैं लेकिन कांग्रेस चुप रहती है। उसी मंच से शिवराज सिंह ये घोषणा कर देते हैं कि 1600 करोड़ किसानों के खाते में जा रहे हैं, तो वो एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के हितैषी हमें। और कांग्रेस के बाद जो मुद्दा था जो भटनागर जी भी कह रहे हैं, या इन नेताओं के बयान को लेकर वो उनकी घेराबंदी कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। ज्वार बाजरा और जो धान की खरीदी है तो जिस बेल्ट में लगातार हो रही वहाँ कांग्रेस का अभी अच्छा खासा जनाधार है। अगर हम बात करें भिंड मुरैना की, वहाँ तक भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, जबकि हाल के उपचुनाव में जो कांग्रेस को थोड़ी बहुत सफलता मिली है वो उसी बेल्ट में मिली है। तो उसके नेता भी उम्मीद में, उनको लग रहा है कि अब चुनाव जीत गए, 3 साल बाद देखेंगे कि क्या करना है। जब तक 3 साल में हो सकता है कमलनाथ जो कह रहे हैं आराम पे चले जाएं, दिग्विजय सिंह लगता है हो सकता है उनको लगता है कि कुछ और नया कर लें, तो सब कुछ निपट सुलझ जाए तब देखें कि नई लीडरशिप कोई आती है, जो कोई नया इशू लाती है तो उसके हिसाब से हम आंदोलन करें, वरना हम तैयारी करेंगे कि 2023 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। देखिए मनोज जी, कांग्रेस जो है भाग्य भरोसे पार्टी है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो दल हैं यहाँ पर प्रमुख, और जो कांग्रेस से नाराज है वो भाजपा की तरफ जाएगा, भाजपा को वोट देगा, जो भाजपा से नाराज है वो कांग्रेस को वोट देगा, कांग्रेस के नेता जानते हैं, इसलिए 30-32% उनका वोट बैंक हमेशा रहता है, उससे कम पे वो आती नहीं है कांग्रेस, भले वो सरकार ना बना पाए, बहुत दूर है सरकार के जो नंबर हैं उससे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये पता है, इसलिए वो कुछ काम करते नहीं बड़े नेता, उनको मालूम है जरा सा किसी मुद्दे को हवा दो थोड़ा बहुत यदि माहौल इधर से उधर हो गया तो वो सरकार करीब पहुँच जाएंगे, जैसा पिछली बार हुआ था। बिल्कुल, इसलिए तमाम, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दूसरी तरफ ये है कि वो लगातार अपना कार्यकर्ता बेस बनाते रहते हैं। आप इसी मुद्दे को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में किसानों के जो आंदोलन शुरू हुआ इसको लेकर प्रदेश का कहीं का भी किसान नहीं निकला, भोपाल में निकला तो सिख समाज निकला, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता निकले जिन्हें ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर प्रदर्शन किया, ये इधर उधर,
किसान, मूल किसान जो है, जैसा पंजाब का किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर वहां पर सड़क पर बैठा हुआ दिल्ली के दरवाजे पे, वैसा मध्य प्रदेश का किसान कोई निकला? मध्य प्रदेश के जो सबसे बड़े किसान नेता हैं कक्का जी, वो खुद दिल्ली में अपनी जगह तलाशने के लिए पहुंच गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से कैमरे में आ जाएं, वो तो उनको किसान नेता साबित कर दिया जाए देश का बड़ा। तो वो खुद अपनी, चूंकि मध्य प्रदेश में उनका आधार नहीं, वो चाहते तो मध्य प्रदेश से 100, 200, 1000, 500, 10,000, 1,00,000 किसान ले जाकर वहां पर शामिल हो जाते या मध्य प्रदेश में वो कर सकते थे। हाँ, तो ये उनको, क्योंकि समर्थन ये मध्य प्रदेश का किसान जाता है। और मनोज जी, ये किसान कानून जो तीनों कानून है जो हमने समझा है जी, पहला कानून तो यह है कि आपको अपनी उपज को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता है। आप मंडी में बेच सकते हैं, आप घर पर भी बेच सकते हैं। यदि मैं खेत मालिक हूँ, मेरे यहाँ 100 बोरा गेहूं हुआ है, तो उसको लदवाना, बारदाना खरीदना, मंडी तक लेकर जाना, वहां पर बुकिंग कराना, तुलवाना, इस सब झंझट से बचने के लिए यदि उसी रेट पर या उससे ज्यादा रेट पर मेरे खेत पर वैसे ही खुला अनाज कोई ले रहा है तो मेरे लिए तो फायदे का सौदा है। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला मामला है कि आपने एग्रीमेंट, किसान अपनी शर्तों पर एग्रीमेंट करेगा, बिल्कुल उस एग्रीमेंट के आधार पर खरीदी यदि नहीं कर रहा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के 4 उदाहरण सामने आ चुके हैं ताजे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहां उल्लंघन किया लोगों ने खरीदने से, तुरंत सरकार आ गई क्योंकि एग्रीमेंट था उनका। तीसरा एक जो मामला था कि स्टॉक लिमिट हटा दी गई, स्टॉक लिमिट खरीदी की, बिल्कुल। तो स्टॉक लिमिट मनोज जी तब लगाई गई थी जब हमारे देश में अनाज का उत्पादन इतना कम था, विदेशों से आयात करना पड़ रहा था, तो व्यापारी मुनाफाखोरी करते थे। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इतना गेहूं उपज रहा है, जो गेहूं देने वाला राज्य पंजाब हरियाणा से ज्यादा हो रहा है, पंजाब अब 10वें नंबर चला गया है। इस सरप्लस गेहूं को रखेंगे कहां हम? ना तो सरकार के पास उतनी व्यवस्था है, ना सरकार का राशन प्रणाली में उतनी जरूरत है, तो ये जाएगा कहाँ? तो इसको फिर व्यापारी खरीदें, उसके लिए स्टॉक लिमिट की छूट दी गई है। तो इस तरीके का जो तीनों कानून है, कहीं कोई बाधा नहीं दिखती। एकमात्र मांग जो किसानों की मुझे लगता है, जो जिस पर सरकार आश्वासन भी देती दिखाई दे रही, उन्हें का हर जिंस की MSP होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी जिंसें हैं जिनकी MSP नहीं है, और MSP से कम पर कोई व्यापारी भी ना खरीदे। बिल्कुल, तो यदि वो कानून सरकार वो बना देती है, और उसके बावजूद यदि आप और हम हैं, मैं उत्पादक हूँ, आप खरीददार हैं, हम दोनों के बीच में रेट एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई मेरे पास 100 बोरा गेहूँ पड़ा हुआ है, लेकिन MSP पे आप नहीं खरीदोगे, 2 रुपये कम पे खरीदोगे। बिल्कुल, कागज पे तो बिल आप MSP का दोगे, मैं उससे कम पे भी आपको बेच दूंगा, तो वो भी चलेगा इसके बाद, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार को कदम उठा लेना चाहिए। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये तीनों कानून जो बने हैं, क्योंकि कानून नियम सरकार समय परिस्थितियों के हिसाब से बनाती है। मनोज जी, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, भटनागर जी को भी याद होगा कि आज से 20-25 साल पहले सिग्नल पर आप यदि गाड़ी रोककर खड़े हैं, तो ये सरकार सलाह देती थी, तेल कंपनियां सलाह देती थी कि सिग्नल पे अपनी गाड़ी बंद मत कीजिए, क्योंकि आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें इतना पेट्रोल जल जाता है। बिल्कुल, आज इतना ट्रैफिक बढ़ गया कि सिग्नल की ड्यूरेशन टाइम बढ़ गया है, तो अब वही कंपनियां सलाह दे रही हैं कि सिग्नल पे आप जाते हैं तो गाड़ी बंद कर दीजिए, सब सिग्नल ग्रीन होने वाला हो तब उसको चालू कीजिए, इससे इतना पेट्रोल बचेगा। बिल्कुल, तो समय परिस्थिति के हिसाब से नियम कानून व्यवस्थाएं की जाती हैं। आज देश की परिस्थितियां दूसरी हैं, उस हिसाब से ये कानून लाया गया। जैसे आप हलवा खाते हैं, हलवा ऊपर से तो ठंडा दिखता है, लेकिन जब तक आप मुंह में नहीं डालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो कितना गर्म या ठंडा है, और उसकी तासीर कैसी है, स्वाद कैसा है। तो आप एक बार इस कानून को चख तो लेने दीजिए, किसानों को एक बार किसान अजमा लें, इसके बाद यदि उनको लगता है कि कहीं धोखाधड़ी हो रही है, सरकार उनके साथ धोखा कर रही है, तो उनके पास पूरा स्वतंत्र है। और किसानों का समय कितना होता है मनोज जी? बिल्कुल, 2 फसल चक्र हैं, अभी अगला फसल चक्र मावठा गया है, दूसरा शुरू हो जाएगा। हां, ये बस 3-4 महीने बाद उनकी फसल बाजार में आ जाएगी, तब तक सब समझ में आ जाएगा कि MSP पे खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है, एग्रीमेंट वाली फार्मिंग में धोखा हुआ कि नहीं हुआ, स्टॉक लिमिट का मामला है सरकार के खिलाफ, तो सारी चीजें जो है वहां पर किसानों की खुलकर आ जाएंगी। लेकिन ये क्या कि एक तरीके से भड़काने वाला मामला है या ना समझी का मामला है। इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार है हमारे देश का सोशल मीडिया। बिल्कुल, आप यदि वो जो किसान जियो के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल वाकई सही आंदोलन कर रहे हैं। यदि हर हाथ में इंटरनेट नहीं होता, स्मार्टफोन नहीं होगा, तो अफवाहें नहीं फैलेंगी। आदमी को क्या है, ज्ञान अच्छा लेने के बजाय जो बुरा ज्ञान मिलता है उसको सहजता से स्वीकार कर लेता है। मानव का दिमाग इस तरीके का होता है, तो उसकी अच्छाई की तरफ तो कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कमजोरी देख रहे हैं और उस पर लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ रोकने की जरूरत है। बिल्कुल, और जिस प्रकार से मुझे लगता है जो आपने जितने सरल भाषा में इस कानून को समझाया, मुझे लगता है कांग्रेसियों को भी इसको देखना सुनना चाहिए, और उसके बाद आगे तो शायद मुझे लगता है आंदोलन सही हो जाए और आगे से उसके निर्णय लेना चाहिए। बहरहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो आंदोलन की बात करी और बीजेपी जिस प्रकार किसानों को पक्ष में खुलकर आ गई, चाहे दिल्ली की बात हो और मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश इसलिए भी है कि ये वो राज्य है जिसने किसानों को
भावांतर की राशि दी। ये वो राज्य है जिसने सबसे पहले किसानों को जो प्रधानमंत्री की घोषणा का 4,000 रुपये अतिरिक्त देने की बात की और उसकी दूसरी किस्त डालने की बात हो रही है। ये वो राज्य है जिसको कृषि कर्मण अवार्ड लगातार कांग्रेस सरकार में भी मिले हैं और ये वो राज्य भी है जिसने गेहूं उपार्जन में पिछले साल ही रिकॉर्ड बनाया। और तो यहां से जो किसानों के लिए जो मैसेज जाएगा वो पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के किसानों के बीच जाएगा। तो हो सकता है जो सरकारें समझा नहीं पा रही हैं दिल्ली में, और जिस प्रकार से अभी प्रभु जी ने बड़े आसान शब्दों में समझाया, तो मुझे लगता है इससे आसान शब्दों में शायद इस कानून को कोई और नहीं समझा सकता है। तो ये बाकी किसानों के ऊपर। और रही बात कांग्रेस की बात की, जो बात दोनों हमारे साथियों ने कही है कि कांग्रेस भाग्य भरोसे, तो हाथ की लकीरों में लोग भाग्य भी दिखाते हैं और हाथ वो निशान वो चीज बीज वो भी बताता है कि आप मजदूरी मेहनत या मेहनत को भी दर्शाता है कि अगर आप हाथ का साथ देंगे तो मेहनत मजदूरी भी करिए। लेकिन ये दोनों चीज़ आपके हाथ में कि अगर आप उन्हीं उंगलियों पर भरोसा करते हैं या उस हथेली पर बनी लकीरों पर भरोसा करते हैं, ये कांग्रेस के नेताओं को तय करना है। बराबर अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।